नमस्कार, मैं हूं सलमान खान। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के क्षेत्र में दह संस्कार करने के लिए करना पड़ता है नाला पार, खुले में करते हैं दह संस्कार। मुक्ति धाम की स्थिति बद से बदतर है, लोगों ने इसकी नाराजगी व्यक्त की है। एक और जहां सरकार विकास के दावे कर रही है, उसी विकास की एक तस्वीर सागर जिले के राहतगढ़ के ग्राम होरा परासरी कला से सामने आई है, जहां पर एकमात्र शमशान घाट है वह भी क्षतिग्रस्त हालत में बना हुआ है। ना तो दह संस्कार करने के लिए तीन सेट है, ना ही मुक्ति धाम जाने के लिए रास्ता। दह संस्कार के लिए शमशान घाट तक ले जाने में लोगों को करीब 3 फीट पानी से भरे नाले से गुजरना पड़ता है, जहां लोगों को डर लगता है कि कहीं पैर ना फिसल जाए। 1500 लोगों की आबादी वाले इस गांव में हरिभाई राजपूत उम्र 70 वर्ष का स्वर्गवास हो गया। अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट ले जाने के लिए दलदल वाले रास्ते और गंदे नाले में से निकलना पड़ता है, और अगर मुसीबत के रास्ते से शमशान घाट पहुंच ही जाते हैं तो वहां टीन शेड भी नहीं है। इसी प्रकार के मामले राजगढ़ क्षेत्र में कई बार देखने को मिल चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं सागर राजगढ़ से अनिल वर्मा के साथ सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। मैं सतीश तिवारी, ग्राम होरा से। आज मेरे गांव में एक बुजुर्ग महिला जिनका नाम श्रीमती हरिभाई राजपूत, उम्र करीब 70 वर्ष, इनका निधन हो गया था। चूँकि आप इस वीडियो में देख सकते हैं हमारे गांव की हालत, पूरे में घुटना घुटना पानी है। यहाँ इतने में हम लोगों को लेके आए, बड़ी मुश्किल से उनका अंतिम संस्कार किया गया है। इस संबंध में हम लोग ने ग्राम पंचायत बरासरी कला सरपंच से जनपद में लिखित में इस रोड के लिए मंजूरी मांगी गई है, और अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला। पूरे ग्रामीणों के लिए बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है प्रतिवर्ष।